हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है होंडा यूनिकॉर्न में कार्बेटर को किस तरीके से क्लीन करें, और आप देख रहे हैं सडवाइज। मेरा नाम है समीर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ये सडवाइज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको कार्बेटर को क्लीन करने के लिए आपकी बाइक की सीट को ओपन करना होगा। हम कौन सी बाइक में कार्बेटर क्लीन कर रहे हैं, उस बाइक का नाम है होंडा यूनिकॉर्न। सभी में सेम प्रोसेसर ही होता है। तो सबसे पहले आपको सीट को ओपन करने के बाद में आपको आना है राइट साइड में, राइट साइड की शील्ड को ओपन करना होगा। तो सबसे पहले आपको शील्ड का नीचे वाला स्क्रू को ओपन करना होगा, जो कि एकदम स्टार स्क्रू ड्राइवर से ईजिली ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको सीट के नीचे एक वाला स्क्रू होगा, ये वाले स्क्रू को भी ओपन करना होगा, जो कि आपको स्टार का ही लगा होगा, जो कि एकदम इजीली ओपन हो जाएगा। आपको शील्ड ओपन करने में तीन स्क्रू लगे होते हैं, वो वाले स्क्रू को भी ओपन करने के बाद में आ जाइए नीचे की साइड में। आपको व्हील की साइड में भी एक स्क्रू होगा स्टार स्क्रू ड्राइवर से, जो एकदम इजीली ओपन हो जाएगा वो वाला स्क्रू भी। उसको ओपन करने के बाद में आपको टोटली तीन स्क्रू लगे होते हैं आपकी शील्ड में। उसके बाद में आपको शील्ड हल्के से बाहर की तरफ निकाल लीजिए, जो कि आपकी शील्ड लगी रहती है एक दो लबर में टैंक के। उसके बाद में आपको ये कार्बेटर की शील्ड को ओपन करना होगा, वो भी आपको स्टार स्क्रू ड्राइवर से ओपन हो जाएगा एकदम इजीली। आप हमारा वीडियो देखकर घर पे ही आपकी बाइक का कार्बेटर क्लीन कर सकते हैं। तो ये वाले शील्ड को ओपन कर लीजिए, और उसके बाद में आपको हाउस पाइप लबर का स्क्रू भी लूज़ करना होगा, ज़्यादा बेटर है। उसको ओपन कर लीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा वो एकदम स्टार स्क्रू ड्राइवर से ही। उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में भी एक हाउस पाइप लबर का ही आपको स्क्रू नज़र आएगा, आपको शायद राइट साइड में भी होगा, आपकी बाइक में लेफ्ट साइड में हो सकता है। ये वाले स्क्रू को लूज़ कर लीजिए, या फिर आप ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद में पेट्रोल को हाफ़ कर दीजिए, और उसका पेट्रोल का ट्यूब जो लगा रहता है पाइप, उस वाले पाइप को भी निकाल दीजिए। थोड़ा सा पेट्रोल जाएगा जो आपकी बाइक में रहता है उतना ही। जो उसके बाद में आपको एक्सीलेटर केबल के नटों को भी लूज़ करके आपको एक्सीलेटर केबल को भी निकालना है कार्बेटर से। तो उसके बाद में आपको हाउस पाइप लबर के अंदर स्क्रू ड्राइवर को डालकर थोड़ा सा पुश कर कार्बेटर को बाहर की तरफ निकाल लीजिए, ताकि जो कार्बेटर है आसानी से निकल सके। तो इसको थोड़ा सा पिंजरा डाल के बाहर की तरफ निकाल लीजिए, और आपको उसका क्लैंप भी निकालना होगा बाहर की तरफ। उसके बाद में आपको चाहिए एक 14 का स्पैनर, 14 के स्पैनर से आपको इस चोक वायर को भी ओपन करना होगा कार्बेटर क्लीन करने के लिए, जो कि एकदम ईजिली ओपन हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला हेयर पाइप जो होगा, उस वाले हेयर पाइप को भी निकालना होगा आपको। अब उस हेयर पाइप को भी निकाल दीजिए। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक चौक है, इसको भी निकालना होगा। बस आपको उसके लिए, उसको निकालने के लिए आपको चाहिए कनेक्टर, थोड़ा सा उसको कनेक्टर से प्रेस करके बाहर की तरफ निकाल लीजिए, एकदम इजीली ओपन हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक चौक है, यूनिकॉर्न में लगा रहता है। उस ऑटोमेटिक चौक की वायर को निकाल दीजिए। तो उसके बाद में आपको एक चाहिए एक थोड़ा सा 100 ग्राम का एक कोई सा भी बॉटल रहेगा, तो आप उसमें पेट्रोल को ले लीजिए कार्बेटर साफ़ करने के लिए। तो चलिए, कार्बेटर को साफ़ करने के लिए आप सबसे पहले आपको इसके नीचे के ओवरफ्लो स्क्रू के ऊपर आपको तीन स्क्रू लगे रहते हैं कार्बेटर क्लीन करने के लिए, वो तीनों स्क्रू को आप ओपन कर लीजिए स्टार स्क्रू ड्राइवर से। प्रॉपर उसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये स्लिप हो जाने से बाद में आपको ओपन करने में तकलीफ हो सकती है। थोड़ा सा पेंचर डालकर ओपन कर लीजिए इन तीनों स्क्रूओं को भी। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों स्क्रू को भी ओपन कर दिया है। उसके बाद में इस जो कवर रहता है, उसको कवर को निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं ये रहा, थोड़ा सा डस्ट भी है इसके अंदर, मिट्टी है कार्बेटर के अंदर। तो इसकी एक अंदर से एक खंभी रहती है, उसको नीट के उस वाले पीस को भी निकाल दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले आपको ओपन करना होगा बड़ी जेट। तो ये देख सकते हैं आप, बड़ी जेट को ओपन करने के बाद में छोटी जेट को भी ओपन कर लीजिए कार्बेटर। बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन करना है तो आप, या फिर आप इसी को ऐसे ही फूक के डाल सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से साफ़ कीजिए कार्बेटर को, ताकि इसमें थोड़ा सा भी जस जाएगा तो बाद में आपको स्टार्टिंग ट्रबल देगी, और आपकी बाइक का जो पिकअप है उसको भी कम कर देगी। और इसके जो स्क्रू रहता है, उसको ध्यान से ओपन कीजिए, क्योंकि जो स्प्रिंग रहती है वो उड़ जाती है। थोड़ा सा उसको पेजर डालकर ओपन करके कैच कर रहिए उस कैप को। उसको ओपन करने के बाद में एक्सीलेटर पिस्टन को भी निकाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं निकल चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं जितने भी होल है, उस होल में आपको पेट्रोल को पेजर से मारना होगा, ताकि जितना भी आपका डस्ट हो वो सभी बाहर निकल जाए। तो सभी चीज़ों को इस तरीके से जोड़ लीजिए साफ़ करने से पहले। बाद में आपको एक 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 चीज़ करके साफ़ करना है आपके कार्बेटर को। तो चलिए, सबसे पहले कार्बेटर को पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं। 100 ग्राम पेट्रोल से आपके कार्बेटर आराम से साफ़ हो सकता है, बिल्कुल ईजी। आप हमारा वीडियो देखकर घर पर ही आप कर सकते हैं। बस आपको चंद टूल्स की ज़रूरत होगी, बस आपको स्टार स्कूटर से ज़्यादा काम हो जाएगा। बस आपको चाहिए एक 14 का स्पैनर। तो क्लीन से कार्बेटर को साफ़ कर लीजिए। आपके पास कोई सा भी ब्रश हो, पेंट का ब्रश हो, आपका कोई सा भी ब्रश हो, तो आप उस ब्रश से कार्बेटर को क्लीन से साफ़ कर लीजिए, बाहर और अंदर की साइड दोनों भी।
जैसे कि हमारे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कार्बेटर क्लीनिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, तो जैसे कि मैं लेकर आ चुका हूँ। और कुछ ही दिनों में मेरा एक क्लच प्लेट चेंजिंग के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसके नीचे की डब्बी को भी क्लीन कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है। हम ज़्यादा जब भी बाइक को सर्विसिंग करते हैं, आप क्या कर देते हैं मैकेनिक, आप जब भी आप देखे होंगे कार्बोरेटर को क्लीन नहीं करते हैं, बस आपको उसमें ओवरफ्लो कर देते हैं, इसका नीचे का स्क्रू ओपन कर लेते हैं। ज़्यादातर मैकेनिक आपकी बाइकों का कार्बोरेटर क्लीन नहीं करते हैं। तो चलिए इसके नीचे की डब्बी को भी साफ़ कर लेते हैं। कार्बोरेटर को साफ करने के बाद में और इसकी एक्सीलेटर पिस्टन को भी साफ़ कर लेते हैं थोड़े से पेट्रोल से, एकदम बिल्कुल इजीली ओपन साफ हो जाएगा सॉरी। उसके बाद में आप सभी चीज़ों को एक सूखी जगह पर रख दीजिए क्लीन करके। और उसकी ये देख सकते हैं ये जो है बड़ी जेट है, थोड़ा पेजर से इसको पेट्रोल मारिए। पेट्रोल मारने के बाद में आपको अलग से फूंक भी मारनी होगी, दबाकर आपके होटम पे रख के थोड़ा सा पेजर मार के आपको फूंक मारना होगा ताकि इसका जितना भी जस्ट हो वो उड़ जाए। और आप देख सकते हैं ये रही इसकी छोटी जेट, छोटी जेट को भी आपको इसी तरह से आपको साफ़ करना होगा। तो चलिए इसको भी पेट्रोल से इसी तरह से साफ़ कर लेते हैं। और इसको साफ़ करने के बाद में और इसके नीट को भी साफ़ कर लीजिए, फूंक मारना होगा आपको दोनों जेटों में, ध्यान से इसको फूंक मार कर रखिए। और ये देख सकते हैं ये जो नीट है ये अगर से ये चले जाती है तो आपकी बाइक में पेट्रोल लीकेज होना शुरू हो जाता है। उसका जो कैप रहता है वो इसमें लगा रहता है, आपकी जो नीट है इसमें लगी रहती है। तो इसको भी साफ़ कर लीजिए और इसकी स्प्रिंग को भी थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए। आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि आप को इसके अंदर मिट्टी लग जाती है तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, जेट के अंदर कचरा चले जाता है। इसके कैप को भी साफ़ कर लीजिए, वेस्ट बिल्कुल टच मत कीजिए। आपको मैं एक बहुत ही एकदम इजी कह रहा हूँ, वेस्ट को बिल्कुल मत टच कीजिए। आप कोई कपड़े से ही आपकी हाथ को साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद में आप कार्बेट को फिट कीजिए। तो फूक मारने के बाद में सबसे पहले आपको फिट करना होगा छोटा जेट, उसके बाद में आपको फिट करना होगा बड़ा जेट। आप एक फ्लैट स्क्रूड्राइवर से आराम से इस जेट को क्लीन से टाइट कर दीजिए। तो इसके बड़े जेट में भी फूंक मारने के बाद में इसके बड़े जेट को भी फिट कर दीजिए। ये जो जेट है इसको प्रॉपर पूरी तरीके से टाइट करना होगा आपको। ये लूज रहने से आपकी बाइक में पिकअप और स्टार्टिंग ट्रबल भी हो सकता है। तो इसकी नीट को लगा दीजिए प्रॉपर इसके अंदर। बस आपको ये जो है रहता है बस आप इस कैप के अंदर लगाना होता है, एकदम बिल्कुल ईजी है। उसके बाद में बस आपको ये जो नीट का होल है उसमें रखकर इसकी पिन को लगा देना है, एकदम बिल्कुल इजीली फिट हो जाएगा ये नीट। उसके बाद में आपको इसके कैप को फिट कर देना है, क्लीन से साफ़ कर फिट कीजिए। वेस्ट को बिल्कुल आपको टच नहीं करना है, कपड़े से आपके हाथ को साफ़ कर फिट करना है। जेट को प्रॉपर टाइट करने के बाद में इसके कैप के स्क्रूओं को भी प्रॉपर टाइट कर दीजिए ताकि इसका जो कार्बोरेटर का पेट्रोल लीकेज प्रॉब्लम हो ना हो। प्रॉपर तीनों स्क्रूओं को भी आपको अपोजिट टू अपोजिट टाइट करना होगा। और आपके पास एक स्टॉप मतलब आपकी एक स्टार की कोई बिट हो तो उससे टाइट कर लीजिए, नहीं है तो स्टार स्क्रूड्राइवर से थोड़ा सा कसकर टाइट कर दीजिए। उसको टाइट करने के बाद में तो चलिए इसके एक्सीलेटर पिस्टन को फिट कर देते हैं प्रॉपर पूरी तरीके से। बस आपको एक्सीलेटर पिस्टन को अंदर की तरफ छोड़ना होगा जो कि एकदम ईजीली अंदर चले जाएगी। उसके बाद में इसके लब्बर को बिठाना होगा, तो चलिए इसके लब्बर को बिठा देते हैं। बस आपको इस लब्बर को प्रॉपर पूरी तरीके से फोल्ड करके आपको इस जो यहाँ पे एक बीडिंग दी है होल दिया है उस होल में आपको बिठाना होगा। प्रॉपर बिठाइए इसको, थोड़ा सा भी इसको मिसअंडरस्टैंडिंग से मत बिठाइए। उसको बिठाने के बाद में इसके कैप को प्रॉपर लगाइए, स्प्रिंग को लगाकर इसके कैप को लगाना होगा आपको, एकदम बिल्कुल इजीली लग जाएगा ये कैप। थोड़ा सा प्रेस करके उसके स्प्रिंग को ध्यान से लगाइए आप, फोल्ड ना हो उसकी स्प्रिंग, प्रॉपर तरीके से फिट होनी चाहिए। उसके बाद में इसके स्क्रूओं को भी लगा दीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है, आप घर पर ही कर सकते हैं। तो इसके दोनों स्क्रूओं को भी लगा कर स्टार स्क्रू से टाइट कर दीजिए, एकदम इजीली टाइट हो जाएंगे दोनों स्क्रू स्टार के। तो इसके नीचे वाले स्क्रू को भी एक बार चेक कर लीजिए, आपको कार्बोरेटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। माइलेज और इसमें मतलब हैंडलिंग में जो रहती है ऑटोमेटिक, वही पहले से आप और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको कार्बोरेटर क्लीन करने के बाद में। तो सबसे पहले आपके इसको हेयर पाइप को लगाना होगा, उसके बाद में चौक पिस्टन को फिट कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी चीज़ का सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। आपके वीडियो को आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। उसके बाद में इस
चौक पिस्टन को लगा दीजिएगा। जो ऑटोमेटिक चौक रहता है उसकी वायर को भी लगाना ना भूलिए, प्रॉपर पूरी तरीके से लगाइए। आपकी बाइक में कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बना सकता हूँ, बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद में इसके हेयर पाइप प्लम्बर को, हाउस पाइप प्लम्बर को थोड़ा सा दोनों को भी पुश कर आपको फिट करना होगा कार्बेटर। सब तो सबसे पहले आप इस हेयर पाइप प्लम्बर को बिठा दीजिए जो हेयर फिल्टर में लगा रहता है, हाउस पाइप प्लम्बर में। उसको बिठाने के बाद में इसके जो आपको हाउस पाइप प्लम्बर रहता है उसके अंदर थोड़ा सा पुश करके बिठा दीजिए, थोड़ा सा अंदर तक पुश कीजिए इसको। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली फिट हो चुका है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप इस हमारा वीडियो को देखकर बड़े ही आसानी से कर सकते हैं घर पर ही। उसके बाद में इस एक्सीलेटर वायर को लगा दीजिए, ज़्यादा स्पानर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो जो है हाथ से ही टाइट हो जाएगा। बस आपको दो ही स्पानरों की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्टार स्क्रू ड्राइवर और एक चाहिए 14 का स्पानर। बस इतने से आपका काम बन जाएगा कार्बोरेटर क्लीन करने के लिए। और एक ब्रश तो आपके घर में वेस्ट ही मिल जाएगा, और थोड़ा सा पेट्रोल आप किसी भी डब्बे में ले लीजिए, लेकर आपके कार्बोरेटर को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद में इसके नीचे का भी एक पाइप रहता है ओवर फ्लो का, उस वाले पाइप को भी लगा दीजिए और पेट्रोल के पाइप को भी लगा दीजिए। आपकी बाइक के पेट्रोल को हाफ कर लगाइए, उसके बाद में पेट्रोल को ऑन कर दीजिएगा। तो उसके बाद में चलिए इसके शील्ड को बिठा दीजिए। बिठाने के बाद में जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से आपको बिठाना है, बिल्कुल एकदम इजी है। तो लबर में लगाया, उसके बाद में इसके नीचे के स्क्रू को लगा दिया। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो बजर है मतलब इसको फ्लैशर कहते हैं, ये फ्लैशर एकदम, ये जो कंपनी का फ्लैशर है एकदम बकवास है, फालतू है। इस कंपनी का फ्लैशर आप यूज़ करते हैं तो फौरन निकाल कर फेंक दीजिए जरूर से। तो आप देख सकते हैं हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।